सर सेक्टर 18 में सड़कों का तो बुरा हाल है। डीसी साहब से पहले हम मिल चुके हैं इसके लिए, लेकिन हर बार यही बोल देते हैं कि हमने इसकी डिमांड कर रखी है। मेरी मिसिज को बिल्कुल बैक पेन है और सर वो इसी कारण से नहीं जा पाती है क्योंकि सड़क बहुत खराब है। गड्ढे इतने हैं कि बच्चे साइकिल चलाते हैं वो गिर जाते हैं, किसी का गोड्डा छिल जाता है, किसी की बाइक गिर जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। कॉलोनी में बढ़िया है यहाँ से, तो यहाँ से तो ये कह रहे हैं 18 में तो लेने ले, शर्म आती है, हम 18 में रहते हैं। उड़ा ऑफिस के सामने ही धरने प्रदर्शन क्यों ना करने पड़े, अब हम इन समस्याओं को लेके आंदोलन पर जरूर उतरेंगे। सर सेक्टर 18 में सड़कों का तो बुरा हाल है, पूरी चाहे बड़ी सड़कें चाहे अंदर की छोटी सड़कें हैं, और काफ़ी लंबे समय से इसमें जदोजहद हम कर रहे हैं जी। अब इसके टेंडर भी हुए हैं जी, और टेंडर में अभी सड़कें अभी शुरू होनी थी, लेकिन एक्शन साहब बोल रहे हैं भाई पहले पोल्यूशन के कारण काम रोक दिया गया जी, भाई पोल्यूशन तो ये पूरे रहने के अंदर काम रोका गया था जी, और अब बोल रहे हैं इसका काम सर्दी मार्च में चलाएंगे जी। अभी जो इसमें लुक वगैरह डालेंगे वो सही तरीके से काम नहीं करेगी जी, तो अभी ये बोल रहे हैं भाई इसको जो सड़कों का काम तो मार्च में शुरू करेंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य ही है लगभग 10 से 12 साल हो गए हमारे यहाँ पोजेशन, और लगभग यहाँ 40% रेजिडेंशियल है लोग जी, तो यहाँ अब तक बहुत सी गर्मी की सीजन आ ली, लेकिन अभी तक कोई सड़क तैयार नहीं हुई है जी। चलो अभी वेट है, देखते हैं मार्च में या कोई इसके लिए बड़ा। तो क्या आप संतुष्ट हो जैसे सड़कों की हालत देखकर और जो सीवरेज? ना जी, ना संतुष्ट कहाँ जी, यहाँ तो चोटें लगती हैं, यहाँ स्कूटी वाले बच्चे आते हैं गिर जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलने के लायक ये सड़क है, स्कूटी और मोटरसाइकिल तो कहाँ चलेंगे, आदमी पैदल नहीं घूम सकता। आपने देखा होगा पूरे इसमें गड्ढे कितने हैं, पूरा अब पानी पूरा भरा रहता है इन गड्ढों में जी। उठाई आपने? बिल्कुल आवाज़ उठाई है, जितने स्टेट ऑफिसर आए सभी से मिलते रहे हैं, एक्शन धर्मवीर जी हैं उनसे भी कई बार बातचीत होती है इसके बारे में, डीसी साहब से पहले हम मिल चुके हैं इसके लिए, लेकिन हर बार यही बोल देते हैं कि हमने इसकी डिमांड कर रखी है, और डिमांड का पहले अब ये टेंडर हुए हैं भी, अब देखो काम शुरू हो जाए तो। सर हर रोज़ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं जी, मैं अपने बच्चों को खुद ये बोलता हूँ आराम से जाओ आराम से जाओ, फिर भी वो कई बार गिर जाते हैं, इतना बुरा हाल है सर जी, और चोट भी लग चुकी है। सुबह शाम सैर करते हो आप सड़कों पे? सैर करने का तो दिल ही नहीं करता सर, मेरी मिसिज को बिल्कुल बैक पेन है और सर वो इसी कारण से नहीं जा पाती है क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है जी जी, और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है सैर करने से तो जी। हाँ जी, जिस टाइम आपने सेक्टर में मकान बनाया तो कहीं ना कहीं ये सोच के बनाया होगा कि सुंदर सड़कें मिलेंगी, हर तरह की तो तमाम सुविधाएं, यही सोच के बनाया था जी, इतने पैसे लगाए थे और ब्योंत से ज़्यादा लगाए थे जी पैसे, मतलब कि जी उसके बाद तो ब्योंत भी अड़वा हो गया जी। सड़कों का तो जैसे इन्होंने बताया बहुत ही बुरा हाल है जी, हमने सोच के तो ये बनाया था, बल्कि अब तो हमारे रिश्तेदार भी हमारी हंसी लगाने लग गए जी, वैसे तो अच्छा आप किसी कॉलोनी में ही मकान बना लेते जी, तो आते हैं रिश्तेदार भी आते हैं वो भी हंसते हैं जी, तो बद से बदतर है जी यहाँ के हालात जी सड़कों के जी, और सीवरेज का उससे भी बदतर है जी। तो मतलब कितने साल हो गए सेक्टर को इसको डेवलप हुए, उसके बाद कभी इसकी सड़क की मुरम्मत या काबी नहीं? हमने मैंने खुद ने मकान बनाए को यहाँ पे 7 साल हो गए जी, लेकिन यहाँ अब तक कोई भी मैंने सड़क की मरम्मत करता हुआ कोई आदमी नहीं दिख लिया जी। गड्ढे इतने हैं कि बच्चे साइकिल चलाते हैं वो गिर जाते हैं, किसी का गोड्डा छिल जाता है, किसी की बाइक गिर जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, बुरा हाल है जी। सीवरेज का उससे बुरा हाल है जी। और बाकी ये देखो आप पानी का तो देख ही रहे हो जी। तो प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहोगे, जैसे हुड्डा अधिकारी हैं या जो डीसी साहब हैं उनसे? प्रशासन से तो क्या मांग करें, मांग कर करके थक गए हम तो, प्रशासन का कोई इस तरफ कोई वो नहीं है, ना ही हुड्डा प्रशासन का है जी। मैं खुद के यहाँ भी कर सकता हूँ, हुड्डा के हेड ऑफिस में मेरा खुद का लड़का है जी, उसने बहुत बेचारे एफर्ट्स किए हैं वहाँ पे जी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे सड़कों का, तो बद से बदतर जी। मेरा नाम बलबीर सिंह है जी जी, यहीं पहले मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता था जी, ये मनसा थी मेरी कि मैं हुड्डा में जाऊँ, बच्चे भी कहते थे हुड्डा में रहेंगे पापा, हुड्डा में बनाओ मकान जी। मैंने यहाँ लोन लिया, मोटे पैसे का लोन ले कर मकान बनाया है जी, और यहाँ ना गली में मैंने अब मेरे को ये पछतावा कि लेना ही नहीं था, बनाना ही नहीं था, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी में बहुत अच्छी गलियाँ हैं, बहुत खुली भी हैं, वहाँ काम भी हो रहे हैं, सीवरेज भी अच्छे हैं, यहाँ तो कोई सीवरेज नाम की चीज़ नहीं है, सड़कों भी इतने गड्ढे हैं, जैसे मोर साहब बता रहे थे, अंकल जी बता रहे थे कि भाई इंसीडेंट होते रहते हैं लगातार, ऐसे चल रहा है कि कोई किसी सड़क पर निकल जाओ सभी बज रही है
बजरी रुलती फिरी फिरती रहे इस पे गड्ढे लगातार। मैंने प्रशासन से मांग भी करी है लोगों ने, और मैं हम भी गए हैं एक दो बार डीसी साहब से मिलने भी गए हैं, वहाँ कोई इतनी सुनाई नहीं है। सुख आश्वासन देते हैं भाई अभी शुरू हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा, तो शुरू कहाँ है, शुरू तो हुआ नहीं कभी। पोल्यूशन का नाम लेके आगे बढ़ा देते हैं सारा कुछ है। टैक्स तो मैंने पूरा वसूल कर रखा है इन्होंने, लेकिन उसके नाम पे ना 2% भी मैंने लोगों को सुविधा नहीं है जी। यहाँ मैंने एक ही बात मैं मौक दिया आपकी कि वे कलोनी में बढ़िया है यहाँ से, तो यहाँ से तो ये कह रहे ठारा में तो लेने मैंने शर्म आती है हम ठारा में रहते हैं जी। उससे तो बढ़िया मैंने 21 नया सेक्टर है ये, इसके साथ का सेक्टर है जी। वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ ठीक है यहाँ से तो जी। चलो 19-20 तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पुराने हैं, चलो उस प्रशासन ने वहाँ चलो मैंने टाइम के हिसाब से जो भी कर रखा ठीक रखा है, लेकिन यहाँ तो 21-20 में क्या नाम है 21 से भी बदतर है। मैंने सुविधा कुछ नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ कोई मैंने मजे वाली बात ही नहीं रहने का कोई। जी गुरुजी आप बताइए सर। मैं मास्टर सतबीर गोविंद, यहाँ 2016 में मकान बनाया था जी। और जैसा और साथियों ने बताया भाई हर आदमी का सपना होता है जी। एक बढ़िया लोकेशन पर जी। अपना मकान हो तो सेक्टर समझ के मकान बनाया था जी। लेकिन जब से उड्डा कटा है उसके बाद इस पर नहीं पैच भी लगे जी। और इतना टैक्स दिया है सड़कों के नाम पर, सीवर के नाम पर, पानी के नाम पर भी मतलब बिल दे रहे हैं जी। सड़कों का तो जो हाल है वो है ही, बार बार आवाज़ उठाई, अब कहते हैं कि टेंडर हैं, टेंडर हो रहे हैं जी। और तो मतलब समय समय पर मिलते रहते हो हाँ, डीसी साहब से भी या हुड्डा विभाग में भी आपने आवाज़ भी उठाई है, उसके बावजूद भी कोई डीसी साहब से भी मिले हैं पहले जो डीसी थे जी। और उड़ा एडमिनिस्ट्रेटर से भी बार बार मिलते रहे हैं जी। उसके बावजूद अब ये बात आई है कि भाई सड़कों के टेंडर हो गए हैं जी। लेकिन टेंडर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मार्च में कह रहे हैं ये करने की, जबकि हमारा मानना ये है कि जनवरी के एंड में या फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मौसम ठीक हो जाता है फरवरी में शुरू कर देना चाहिए। सड़कों की तो बात ये है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या दूसरी है इसमें सेक्टर में जी, सीवर की मेन समस्या है। इस सेक्टर का सीवर कहीं जुड़े नहीं रहा, इसके बीच से ड्रेन गुजरती है तो ये बरसाती नाला, लेकिन अब ये भरी पड़ी है, इसका पानी निकाल के ड्रेन में कर देते हैं। मतलब ये ड्रेन भी क्या है, घरों के बीच से जारी है ड्रेन जी, यहाँ बदबू मारती रहती है जी। सेक्टर का सीवर कहीं ना जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जी। पीछे से इन्होंने करनाल रोड साइड में जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनका आज तक नहीं चल पाया। तो हमारी तो आपके माध्यम से यही डिमांड है कि जगह जगह जो सीवर की लीकेज है वो बंद की जाए। असल तो बंद क्या करेंगे, सीवर की लाइन ही डंप हैं बहुत सी जगह जी। तो ये तो असल तो दोबारा से ही सीवर डले तब जाके सीवर चल सकता है जी। वरना जो 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 मकान बन रहे हैं, बढ़ रही है आबादी, त्यों त्यों समस्या और बढ़ रही है। पानी कहीं निकासी है नहीं, थोड़ा बहुत ये ड्रेन में निकाल देते हैं, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं। अपने यहाँ भी एक सीवर लीकेज है, अब तो ये बरसात का पानी है, नहीं तो इसकी जगह वही खड़ा मिलता जी। यहाँ लेफ्ट एंड में एक ड्रेन ये सीवर है, वो सारा लीक करता है जी। तो बुरा हाल है सीवर का। सर जैसे ये मूलभूत सुविधाएं हैं ये, तो जब ये भी नहीं तो हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन आपकी तो क्या कुछ कदम उठा रही है इस बारे में? देखो एसोसिएशन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है फिलहाल और ना कोई एक्टिविटीज़ हैं। अगर फरवरी मार्च तक सड़कों का समाधान नहीं हुआ जी, तो उड्डा निवासियों ने इकट्ठे होके ही, चाहे हम डीसी के वहाँ प्रदर्शन करें या हमने परमानेंट उड्डा ऑफिस के सामने ही धरने प्रदर्शन क्यों ना करने पड़े, अब हम इन समस्याओं को लेके आंदोलन पर ज़रूर उतरेंगे।